How are you? I hope you are very well at home. Today my subject grammar topic है हमारा was and were interrogative sentence जो कि हम पहले भी आपको सिखा चुके हैं लेकिन आज हमारा topic है interrogative sentence. Interrogative sentence की पहचान हम कैसे करेंगे? Sentence के starting में लगा होता है हमारा क्या और last में हमारा लगा होता है question mark. उसे हम बोलेंगे interrogative sentence. अब हम पहचान देखते हैं पास्ट टेंस. पास्ट टेंस के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है हमारा रूल्स. इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या है? आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले वाज. आई, आई है हमारा सिंगुलर है और उसके साथ हम सबसे पहले यूज करेंगे वाज. उसके बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नाउन एंड एडजेक्टिव. ये होता है हमारा फर्स्ट रूल. सेकंड रूल है हमारा यू वी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट से पहले वर. अगर हमारा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उससे पहले हम यूज करते हैं वर. वर के बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन. ये होते हैं हमारे टू रूल्स. नेक्स्ट है अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव भी है तो उसके बाद हम यूज करते हैं नॉट. फॉर एग्जाम्पल, क्या दूध ताजा था? सिंगुलर सब्जेक्ट में है ये, सिंगुलर में यूज करेंगे वाज. द मिल्क फ्रेश. लास्ट में लगा है क्वेश्चन मार्क. स्टार्टिंग है हमारी क्या से. नेक्स्ट है हम प्लूरल में बनाते हैं क्या वे बूढ़े नहीं थे. ये हमारा प्लूरल. स्टार्ट करेंगे वे वर दे. सेंटेंस में आया है नहीं, दे नॉट old. Okay students, ये हमारे interrogative sentence. It's a clear. Thank you and